अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं जहां से आप मेरी आने वाली और भी वीडियोस को भी कैचअप कर सकते हैं। साथ ही याद रहे अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा तो आप मेरी आने वाली वीडियो को मिस कर देंगे। सो गाइज वेलकम बैक टू आवर क्लास एंड दिस इज़ योर विजय हेयर। आई होप आपने इस वीडियो का पहला पार्ट देखा होगा, ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है और इस पार्ट के अंदर हम उसी के आगे से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्या कहते हैं 6 चैप्टर को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं इस चैप्टर के बारे में कि स्टोरी कैसे कंटिन्यू होती है। तो इस वीडियो को देखिए एंड तक ताकि आप पूरी तरीके से चैप्टर को समझ पाएँ। तो आई होप आप वीडियो को पूरा देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो दोस्तों अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे हमने ये देखा कि जब शुरुआती समय होता था तो उस टाइम पे हमने ये देखा कि कैसे फ्रांस के अंदर और इंग्लैंड के अंदर ये फ्यूडल सिस्टम यानी कि सामंतवाद जैसी नीति को बढ़ाया गया, बनाया गया और फिर धीरे धीरे करके हमने प्रथम वर्ग के बारे में भी समझा। और प्रथम वर्ग जो है हमारा वो हमने देखा कि कैसे उसमें पादरी थे और उसके बाद कैसे उसमें क्लर्जी वर्ग था आया एंड देन उसके अंदर भिक्षु भी लोग थे, उसमें क्या बदलाव करा समाज के अंदर, ये सारा का सारा सिस्टम चलता रहा। तो देखिए दूसरा वर्ग जो है जिसे हम अभिजात वर्ग बोलते हैं, जो पादरी थे वो स्वयं तो अपने आप को प्रथम वर्ग में डालते थे लेकिन अभिजात वर्ग जो थे उनको दूसरे वर्ग में रखा। अब यहाँ पे सही मायने में तो जो हमारा सामाजिक प्रक्रियाएं होती थी उसमें अभिजात वर्ग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब यहाँ पे होता क्या था कि पूरी भूमि का नियंत्रण क्या कहते हैं उन्हीं के पास होता था, जिसे हम वेजलेस सिस्टम बोलते थे। यहाँ पे वेजलेस जो था इसकी वजह से क्या कहते हैं फ्रांस के शासक और लोगों के बीच में जुड़ाव, मतलब एक बोल सकते हैं एक संबंध बना रहता था। तो ये जो प्रथा थी वो जर्मन मूल के लोगों के द्वारा फ्रैंक लोगों में भी एक थी कि यहाँ पे ये समानता पाई गई कि जो भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा था वो अभिजात वर्ग के राजा के अधीन ही होता था, जिसमें क्या कहते हैं जो कृषि होती थी वो क्या कहते हैं किसानों के द्वारा ही करवाई जाती थी और जो अभिजात वर्ग होता था वो राजा को अपनी स्वामी और क्या कहते हैं लॉर्ड बोलता था ये राजा अपने आप को। तो यहाँ पे ये समझिए बेसिक टॉपिक क्या है। बेसिक टॉपिक ये है कि जिस तरीके से जो सामंतवाद होते थे, जो शिकार करने जाते थे, जिन्हें हम अभिजात वर्ग बोलते हैं, ये लोग क्या करते थे कि जिस तरह से ये लोग राजा के अधीन होते थे उस तरह से जो किसान होते थे, किसान कृषक वर्ग, वो अपने अभिजात वर्ग के अधीन होते थे। यानी कि जो राजा होता था वो इन सामंत लोगों के लिए पूरी तरीके से प्रॉमिसेबल होता था और ये अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी बोलता था। सिंपल सी बात है क्योंकि राजा ही वहाँ पे रूल करते थे और राजा ही इनको ज़मीनों का टुकड़ा देते थे और कहते थे कि आप इसको अपने पास रखिए और हमें बदले में क्या कहते हैं आप टैक्स देते रहिए। और जो ये कृषक वर्ग होता था वो अभिजात वर्ग के प्रति क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा निष्ठावान रहता था, क्योंकि सिंपल सी बात है अभिजात वर्ग के प्रति अगर वो लोग निष्ठावान रहेंगे तो बदले में उनकी रक्षा करते थे। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट था, इस वजह से क्या कहते हैं वो लोग उनकी प्रोटेक्शन करते थे और ये सिस्टम ऐसे डेवलप हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सिस्टम डेवलप हो रहा है। नॉर्मल सा ज़्यादा समझना नहीं है, किंग होता था एंड देन उसके बाद अभिजात वर्ग होते थे एंड देन किसान होते थे, इस तरह से सिस्टम काम कर रहा है। जो किंग होते थे वो सॉरी जो अभिजात वर्ग होते थे वो राजाओं के प्रति वफादार होते थे और जो किसान वर्ग होता था वो क्या कहते हैं अभिजात वर्ग के प्रति वफादार होते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग उनको क्या कहते हैं आपका ये लोग इनको प्रोटेक्शन देते थे, बस ये सिस्टम ही चलता रहा। ठीक है, तो ऐसे ही है। अब देखिए क्योंकि अभिजात वर्ग जो होते वो एक विशेष हैसियत थी उन लोगों के पास, क्योंकि ज़मीनों का मोस्टली हिस्सा पूरा नियंत्रण उन्हीं के पास होता था, इस वजह से पूरा हिस्सा अगर इनको चलाना है, डेवलप करना है इन लोगों को, तो इन्होंने सामंती सेना जो थी यानी कि फ्यूडल लेवीज बोलते हैं इन्हें, इन्होंने क्या कहते हैं इसको बढ़ाने की इनके पास क्षमता थी और इसकी वजह से ही क्या कहते हैं वो लोग स्वयं का न्यायालय बना सकते थे और यहाँ तक कि इनको इतना अधिकार था कि वो अपनी खुद की मुद्रा दैट मीन्स पैसा करेंसी सिक्के चला सकते थे।
तो इस तरीके से क्या कहते हैं, ये लोग पूरी तरीके से वहाँ पे सेकंड स्टेट जो होता था, मेनली हिस्सा इनके पास होता था, इनके पास सैनिक होते थे, इनके पास घोड़े गाड़ी सब कुछ, मतलब राजा को प्रॉफिट करवाने वाले ये लोग, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा इन्हीं का था। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अब जो इनके पास खेत होते थे वो तो अलग होते ही होते थे, लेकिन साथ में इनकी खुद के अपने घर होते थे, निजी खेत होते थे, और चारागाह जहाँ पे इनके हाथी घोड़े होंगे, है ना। तो ये सारे के सारे लोग क्या कहते हैं, इनको बोलते थे मेनर करके, ये लोग इनको बुलाते थे कि मेनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर अभिजात वर्ग का होगा जो उनका पर्सनल होगा, और बाकी जो और खेत होते थे वो तो क्या कहते हैं किसानों को उन पे काम करना ही पड़ता था, लेकिन साथ साथ में किसानों को इनकी खुद की ज़मीनों पे भी काम करना पड़ता था। तो ये आप बोल सकते हैं कि इस तरह से क्या कहते हैं उनकी जो पर्सनल खेती का वो हिस्सा होता था वो किसानों के द्वारा ही जोता जाता था। और कभी कभार देखिए, क्योंकि इन लोगों के पास अधिकार तो था ही कि ये लोग क्या कहते हैं सामंती सेना का एक सिस्टम डेवलप करे, तो इसीलिए ये लोग क्या करते थे, कभी कभार क्या कहते हैं पैदल सैनिक के रूप में इन किसानों का इस्तेमाल कर लेते थे, और खेतों में तो ये लोग काम करते करते थे, लेकिन पैदल सैनिक के रूप में भी कभी कभार जब कभी युद्ध हो जाए या किसी से कुछ हो जाए तो उस समय पर ये लोग इन किसानों का इस्तेमाल कर लेते थे। तो देखिए मेनर एक जागीर, इसका मतलब यही है कि जो मेनर था वो पूरा का पूरा इन्हीं का इलाका था। इसमें नॉर्मल सा यही था कि जो लोहार होगा वो क्या कहते हैं इनके औजार से बनी चीज़ें, उनके हथियार जो होंगे उनकी मरम्मत करेगा, उनको ठीक करेगा, और अनाज उगाने का काम तो खैर किसानों का था ही था, और उसके साथ यहाँ पर जो राजमिस्त्री होगा, जो मिस्त्री होगा उनके इमारतों की देखभाल करेगा, औरतें जो होंगी वो क्या कहते हैं इनके जो कपड़े होंगी बुनेगी काटेगी ठीक करेगी, और छोटे बच्चों को क्या कहते हैं ये लोग मदिरा जैसे काम के अंदर, शिकार के अंदर ये लोग रखते थे। घूमने के लिए इनके पास बहुत बड़े वन होते थे जहाँ पे ये लोग शिकार किया करते थे, और यहाँ पे इन लोगों ने चर्च की सुरक्षा के लिए एक बड़ा दुर्ग बनाया, दैट मीन्स एक हाइट पे ये लोग इनको रखते थे, हाइट इन द सेंस ये दुर्ग जो है चर्च जो होता था एक बड़ी हाइट पे बनाया जाता था ताकि चर्च की एक अलग वैल्यू लग सके। तो इस तरीके से जो ये इलाका था ये पूरा का पूरा डिवाइड था। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए ये लोगों ने क्या करा कि जो मेनर थे ना इनके अंदर इनके खुद के तालाब होते थे, खुद की चक्कियाँ होती थी, खुद के इनके क्या कहते हैं अलग अलग इलाके होते थे, इनके जो किसान होते थे ना वो इन्हीं की ही चक्की से खाना खाते थे, इन्हीं के ही पानी के इलाकों में ये लोग क्या कहते हैं रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरे सामंत जो होते थे वो उनके पास नहीं जाएंगे, यानी कि दूसरे जो अभिजात वर्ग होते थे उनकी अपनी ज़मीनें होती थी क्योंकि उनको भी राजा को प्रॉफिट देना पड़ता था। यहाँ पर सिर्फ आप बोल सकते हैं कि अभिजात वर्ग जो है राजा को प्रॉफिट कराने में और राजा को बढ़ाने में, उसका साम्राज्य को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो यहाँ पे 13वीं शताब्दी तक आते आके कुछ दुर्ग जो थे वो और बड़े बनाए जाने लगे और वे नाइट्स के परिवारों के निवास का स्थान बन गया। अब नाइट्स क्या है वो अभी आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे हम समझेंगे नाइट्स के बारे में भी। अब मेनर में कभी कभी इन लोगों को क्या करना पड़ता था कि हर चीज़ इनके पास तो नहीं होती थी, जैसे कि सपोज़ मान लीजिए कि किसी एक सामंतवादी के पास, किसी एक अभिजात वर्ग के पास, नोबल के पास ज़मीन है। अब ज़मीन के टुकड़े पे क्या कहते हैं वहाँ पे उन्हें चर्च भी बनाना है, वहाँ पे उनको खेती भी रखनी है, जंगल के इलाके भी ढूंढने हैं, और उसमें से उनको प्रॉफिट कमा के राजा को भी देना है। लेकिन यहाँ पे होता क्या था कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिनको उन्हें बाहर से ही ख़रीदना पड़ता था, जैसे कि आप बोल सकते हैं साजो सजने के लिए सामान हो गया, वाद्य यंत्र दैट मीन जितने भी हमारे गीत गाने वाले यंत्र होते हैं, आभूषण खरीदना, इनको दूसरे स्थानों से ही ख़रीदना पड़ता था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए नाइट्स क्या हैं, अब आप ये समझिए छोटा सा एग्जाम्पल कि जो किसान वर्ग है तो किसान जो है वो इन लोगों के खेतों पे कैसे काम करेंगे। सिंपल सा ये है कि किसान को बोला जाता था कि अगर आप हमारी ज़मीनों पे काम कर रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब प्रोटेक्शन अभिजात वर्ग जो होते थे वो खुद से नहीं देते थे, वो क्या करते थे कि वो जब युद्ध होता था तो नॉर्मल किसानों को युद्ध के लिए लेके तो जाते थे, लेकिन उनका पूरी तरीके से जो सेना थी ना वो ढंग से बन नहीं पाती थी, इसलिए इन लोगों ने क्या करा कि नाइट्स की कैटेगरी अलग रखी, और इसके अंदर इन्होंने स्किलफुल जो हॉर्स राइडर होते थे जो बहुत तेज़ी से भाग सके निशाना मार सके, इन्होंने उस वर्ग को अलग बनाया, और उस वर्ग के लिए इन लोगों ने अपने ही इलाकों में अपने ही प्रांत के अंदर इन
लोगों ने कहा कि देखिए आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, नॉर्मल सा ये है कि नाइट्स को भी एक ज़मीन का अलग टुकड़ा दे दिया जाता था और जिसे फीप कहा गया, और ये ज़मीन का टुकड़ा जो होता था ये कहा जाता था कि आप अपने पास रखिए और इसके अंदर जो भी आपको उगानी है चीज़ें या जो भी होगा वो सारा का सारा क्या कहते हैं आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभिजात वर्ग जो होता था सैनिक वर्ग को तैयार करने के लिए एक अलग हिस्सा बनाता था ताकि यूरोप के कई भी हिस्सों में अगर लड़ाइयाँ हो सके तो नाइट्स लोग क्या कहते हैं इनकी रक्षा करें। क्योंकि जब यहाँ पे फीप जो होता था वो उनको दिया जाता था क्योंकि पैसे तो दिए नहीं जाते थे, तो ये लोग क्या करते थे कि नाइट्स लोग जो होते थे वो अभिजात वर्ग के लिए बोलते थे कि हाँ भाई हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, पर साथ साथ क्या कहते हैं हमें राजा की भी रक्षा करनी पड़ेगी। तो इस बेसिस पे फीप जो होता था यानी कि जो ज़मीन का टुकड़ा, ये भी बोल लीजिए इन्हें फीप कहा गया स्पेशली, ये ज़मीन का टुकड़ा 1,000 से लेकर 2,000 एकड़ तक ही होता था। अब फीप जो है वो नाइट्स के द्वारा तो इन पे काम नहीं करवाया जाएगा क्योंकि वो लोग तो भाई नॉर्मल सा है, अपने जो नाइट्स लोग होते थे वो अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देते थे और प्रॉफिट का हिस्सा देते थे और साथ साथ क्या कहते हैं वो लड़ने का वचन भी देते थे। क्योंकि इनको क्या करना पड़ता था, इनको सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती थी और मेहनत करने के लिए ज़्यादातर वही घेरेबंदी करना और पुतलों को यहाँ पर जो रण कौशल के लिए अपने बचाव का अभ्यास करना नॉर्मल ये लोग करते रहते थे। मतलब बाहुबली टाइप लोग आप समझ लीजिए कि ये लोग उस टाइम पे थे। तो ऐसा माना जाता था कि जैसे कटप्पा जैसे लोग यानी कि जो नाइट्स लोग थे इनकी शौर्य गाथा बहुत फेमस होती थी, जिसकी वजह से कोशिश ये किया जाता था कि वीर राजाओं की और नाइट्स की जो वीरता जिन्हें मिलती थी उनको क्या कहते हैं उनकी कहानियाँ गीत के माध्यम से लोग घूम घूम तक घूम घूम के अपने इलाकों में बताया करते थे। और ऐसा क्या कहते हैं पांडुलिपि में अधिक तो नहीं मिलता लेकिन यहाँ पे बोलते हैं ऐसा कि लोग घूम घूम कर इनके बारे में बताते थे कि हाँ भाई ये लोग कैसे थे, ये कैसा काम करते थे, तो ये सब इसके अंदर देखा गया। तो फाइनली ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेट के बारे में है, अब हम थर्ड स्टेट की तरफ चलते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए तीसरा वर्ग, दूसरे वर्ग की बात आता है तीसरा वर्ग जिसे किसान स्वतंत्र और बंधक बोलते हैं। देखिए इसके अंदर भी ना कैटेगरी थी कि हर व्यक्ति जो था वो नॉर्मल सा है कि हर व्यक्ति कृषि का ही काम नहीं करेगा। यहाँ पे तृतीय वर्ग का मतलब जो है वो क्या कहते हैं अलग अलग है। कुछ लोग क्या कहते हैं राजा के नौकर के रूप में होते थे, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि घरों में काम करना। और तीसरे वर्ग के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो वैद्य होते थे, डॉक्टर होते थे, इंजीनियर होते थे, इस टाइप के लोग। और कुछ लोग होते थे क्या कहते हैं जो किसान ही रहेंगे और कुछ लोग इनके मिलों में काम करते थे। तो ये तीसरा वर्ग है जो क्या कहते हैं इसके अंदर आता है। तो इस तरह से हमारे तीनों वर्ग कंप्लीट हो जाएंगे जिसके बारे में हम क्या कहते हैं पढ़ेंगे आगे। अब देखिए पहला और दूसरा वर्ग दोनों वर्गों का लालन पोषण यानी कि उनका काम करने का, पेट भरने का काम जो है वो क्या कहते हैं थर्ड स्टेट के द्वारा ही हो रहा है। यहाँ पे काश्तकार जो होते थे वो दो तरह के ही होते थे, मतलब स्वतंत्र किसान भी होते थे और कृषि दास, दोनों के दोनों होते थे। यहाँ पर होता क्या था कि जो स्वतंत्र दास होते थे वो अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकारों के रूप में ही देखते थे, और यहाँ पे होता ये था कि जो पुरुष होते थे वो सैनिक सेवाओं में योगदान देते थे। मतलब आपको काम करना ये होगा कि वर्ष में कम से कम 40 दिन तो काम करना ही पड़ेगा, और कृषि के परिवार में जो लॉर्ड होते थे वो जागीर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 दिन जाते थे। मतलब श्रम जो होता था वो तो करना ही पड़ेगा और साथ में इनसे रिलेटेड जो काम होता था, जो इनसे प्रॉफिट होता था उसे हम श्रम अधिशेष कहते थे। तो नॉर्मल सा इनसे लोगों से ज़्यादा इतना काम नहीं करवाते थे लेकिन काम तो काम है। यहाँ पे गड्ढा खुदवाना, जलाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करना, बाड़ा बनाना, सड़कें बनाना, इमारत बनाना, ये सारे के सारे काम क्या कहते हैं इन लोगों से करवाए जाते थे। तो यहाँ पे ये नॉर्मल सा था, जो किसान गुलाम थे वो तो थे ही थे, साथ में खेतों का काम तो करना ही था, लेकिन साथ साथ में जो स्त्री व बच्चे थे वो आपने देख ही लिया था कि क्या काम करते थे, मोमबत्ती बनाना, कपड़े को कातना, कपड़े को बुनना, उसको ठीक करना। और जो छोटे बच्चे होते थे वो लॉर्ड के लिए अंगूर से जो उत्पन्न चीज़ें होती थी सड़ा के गला के उनके लिए मदिरा तैयार करना, वो छोटे बच्चों का काम होता था। तो यहाँ पे क्या होता था कि
वहाँ के हेड को ही मिलता था। हेड का मतलब ये है कि जब हमने पहला वर्ग पढ़ा था तो पहले वर्ग में हमने देखा कि वो टीथ नाम का एक टैक्स देते थे जो किसानों से ये लोग वसूल करते थे। और ये टैक्स क्या कहते हैं, डायरेक्टली किसको मिलता था, सिर्फ और सिर्फ 10वां हिस्सा चर्च को मिलता था जो चर्च के को चला रहे हैं। लेकिन साथ साथ में अभिजात वर्ग जो होते थे वो लोग क्या कहते हैं, किसानों के ऊपर भी एक प्रत्यक्ष रूप से टैक्स लगाते थे। मतलब क्योंकि ये लोग, सिंपल सी बात है, किसानों को रक्षा दे रहे हैं, उनको कुछ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं या कुछ भी काम करें जैसे हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगाती है, ऐसे ही क्या कहते हैं राजा ने क्या करा, राजा ने कहा कि भाई देखो हमें सिस्टम चलाना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पर राजा ने कृषक के ऊपर ये कहा कि कभी कभी इन लोगों के ऊपर एक टैक्स लगा करेगा, और वो जो टैक्स होगा वो टैली करके एक टैक्स होगा जो डायरेक्ट टैक्स होगा। ये टैक्स पादरी और अभिजात वर्गों के ऊपर नहीं था, क्योंकि पादरी जो थे वो तो सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते थे और अभिजात वर्ग जो थे इनको प्रॉफिट कमा के देते थे। तो इस तरीके से इन लोगों के ऊपर टैक्स तो ये लगता ही लगता था, लेकिन साथ में यहाँ पे जो लॉर्ड होते थे, डैट मीन्स जो क्या कहते हैं दूसरे वर्ग के लोग होते थे, इसमें ये बताया जाता था कि भाई जो नॉर्मल किसान हैं वो कभी भी क्या कहते हैं उनकी जागीरों को छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो लॉर्ड होते थे, दैट मीन्स जो अभिजात वर्ग के लोग होते थे, वो डायरेक्टली दावा ये भी करते थे कि भाई सिंपल सी बात है ऐसे उनको हानि भी हो सकती है कि अगर कोई जागीर छोड़ के जाता है किसान। और ये भी नॉर्मल सा प्रोसीजर ये था कि अगर कोई किसान किसी की जागीर को छोड़ के जाता है तो उसको भी इफ़ेक्ट होता था। साथ साथ में किसानों को ये भी कहा जाता था कि भाई जो भी जिसकी जागीर में रह रहा है यहाँ पे, वो किसान क्या कहते हैं उनकी चक्की से ही जो भी आटा होता था, जो पिसा होता था, वो आटा क्या कहते हैं उनको मिलेगा, और उन्हीं की तंदूर से जो रोटियां सेक के आ रही है वो वहाँ के जागीर से जहाँ से सेक के आ रही है वहाँ का किसान ही बस उसे खा सकता है। तो इस तरीके से सिस्टम को तैयार किया गया था। और यहाँ पे ये भी बोला गया था कि जो लॉर्ड होते थे, जो सामंत होते थे, वो ये भी तय करते थे कि जो कृषि दास होते हैं वो किससे विवाह करेंगे या किससे उन्हें विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से सिस्टम काम करता था। तो हमने अभी तक क्या कहते हैं सेकंड पार्ट भी इसका कवर कर लिया है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, और वीडियो पसंद आई होगी आपको तो लाइक करना मत भूलिएगा इसको। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट सो यू कैन कमेंट मी ऑल्सो। सो दिस इज़ इट इन दिस क्लास। फाइनली अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर बोलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी इस चैनल के सपोर्ट के लिए और नॉलेज के लिए बताते रहिए। सो गाइज टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।